हेलो माय मूवी लवर फ्रेंड्स, दिस इज योर बॉय के फॉर कर्तव्य। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, वैसे तो साउथ की फिल्मों का हिंदी में रीमेक बरसों से होता चला आ रहा है। जब जब दर्शक हिंदी फिल्मों से बोर हो जाते हैं, वे साउथ इंडियन फिल्मों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। और बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स भी इस बात को भली भांति समझ गए हैं कि अब दर्शकों का टेस्ट बदल चुका है, इसीलिए वे एक ओरिजिनल फिल्म में मेहनत करने के बजाय साउथ की किसी हिट फिल्म का रीमेक बनाकर बॉक्स ऑफिस पे सफलता हासिल करने का नया फार्मूला खोज चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है जैसे साउथ की फिल्मों का हिंदी में रीमेक होना जल्दी रुकने वाला नहीं है। करेंट टाइम में अर्जुन रेड्डी की हिंदी रीमेक कबीर सिंह ने जिस किस्म से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है और 2 हफ्तों में 200 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, साउथ की फिल्मों का रीमेक बॉलीवुड को आगे और भी लुभाने वाला है। और दोस्तों, इसी बीच एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि साल 2014 में आई वंशी पड़ैपल्ली डायरेक्टेड एक्शन थ्रिलर फिल्म येवड़ू का बॉलीवुड में रीमेक होने वाला है। और कहा जा रहा है कि इस फिल्म के हिंदी रीमेक को मिलाप झमेरी डायरेक्ट करेंगे, जो इससे पहले सत्यमेव जयते जैसी फिल्में बना चुके हैं। और इसी फिल्म के निर्माता निखिल आडवाणी येवड़ू के ओरिजिनल वर्जन के प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, निखिल और मिलाप दोनों फिल्म के ओरिजिनल वर्जन को देख चुके हैं और उन्हें लगता है कि ओरिजिनल फिल्म की बेसिक पार्ट को बरकरार रखते हुए इस कहानी को बॉलीवुड में एक नए अंदाज में पेश किया जा सकता है। हम बात करें अगर येवड़ू की, तो यह साल 2014 में रिलीज़ एक तेलुगु फिल्म है जिसमें लीड रोल में रामचरण तेजा, श्रुति हसन और एमी जैक्सन थे। और इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और काजल अग्रवाल ने कैमियो अपीयरेंस दिया था। 35 करोड़ की बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ का कारोबार किया था। इसे तमिल में मगाधीरा और मलयालम में भैया माय ब्रदर के नाम से डब किया गया था। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए किस एक्टर को कास्ट किया जा सकता है। वैसे बात करें बॉलीवुड के यंग एक्शन स्टार्स की, तो सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का नाम आता है, जो बागी सीरीज की फिल्मों से अपने एक्शन का लोहा मनवा चुके हैं। इनके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा भी इस फिल्म में कास्ट किए जा सकते हैं, जो मिलाप की आने वाली फिल्म मरजावा में पहले से ही काम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन भी इस फिल्म के लिए एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। बात करूं अगर मैं अपने पर्सनल चॉइस की, तो जिस किस्म से शाहिद कपूर ने अपने चॉकलेटी बॉय की इमेज को तोड़ते हुए फिल्म कबीर सिंह में एक रफ एंड टफ हीरो की भूमिका निभाई है, उन्हें भी एक एक्शन स्टार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वैसे भी आर राजकुमार फिल्म में वे अपने एक्शन का जलवा पहले ही दिखा चुके हैं। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि इस फिल्म के लिए कौन सा एक्टर सबसे बेस्ट चॉइस हो सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसी ही अननोन खबरें हम आप सबके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।